जी सर, आप ये धरने के बारे में क्या स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र की वार्ड सदस्य की वार्ड 77 ही नहीं, वार्ड 75, क्षेत्र 77 और 89, इस क्षेत्र की करोड़ के 5 वार्ड आते हैं और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं नगरियों को मुहैया कराना चाहिए, देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। यहाँ की रोडें आप देख लीजिए, हमने फोटोग्राफ्स लगाए हैं रोडों पर, यहाँ की नालियाँ देखिए और बगल में ये नाला है उसको शुरू जरूर करें, उसको भी आप देखिए। यहाँ के अधिकारी टैक्स के रूप में 5 गुना ज़्यादा वसूली करते हैं, लेकिन जब खर्च की बात आती है तो वो उसका 5% इस क्षेत्र में खर्च नहीं करते। नगर निगम में एक व्यवस्था दी गई है कि जिस क्षेत्र से जितना टैक्स मिलता है उसका हम 50% उस इलाके में खर्च करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कहीं सच्चाई नहीं है कि जितनी बड़ी राशि इस इलाके से टैक्स के रूप में जाती है उसका 50% तो बहुत अधिक हो जाएगा। अगर 20% भी अगर खर्च करें तो मैं समझता हूँ इस इलाके की बहुत तस्वीर अच्छी हो सकती है। यहाँ की पूरी जन समस्याओं का निराकरण के लिए हमने अपनी बात यहाँ करने के माध्यम से नगर निगम के अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने अपने ज्ञापन में जो व्यवस्थाएँ मांगी और जो काम चिन्हित किए हैं उन कामों को तुरंत कराया जाए, अन्यथा अगला हमारा धरना जो भोपाल की कमिश्नर और भोपाल के मेयर माता मंदिर पर बैठते हैं वहाँ पर। जी सर, इस विषय में आपने हमें जानकारी दी, लाइट ऑफिस से बात करने के लिए काफ़ी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर।